आप आसाम से आई, बराबर है? हाँ, मैं आसाम से आई। पहले तो मैं आप सबको नमस्कार कहती हूँ। और आसाम से कलकत्ता आने के लिए सिर्फ कितना घंटा लगता था? घंटा तो नहीं पता, लेकिन 3 दिन लगता है। तो आप खास करके बंबई क्यों आई? सिर्फ लता दीदी से मिलने? जिनको अपना सब कुछ मानती हूँ मैं, उनको अपना भगवान। और आप लोग शायद मेरे बात पे यकीन ना करें, लेकिन बचपन से मैं यही सोचती थी। मेरी दादी कहा करती थी, अगर तुझे गाना गाना है तो सिर्फ दीदी का गाया हुआ गाना गाया कर, वरना गाना मत गा। इजाज़त नहीं थी किसी के गाने गाने की। और इसके बाद मेरी माँ, और यही सपना था कि एक बार दीदी को देखूं कि वो दीदी भी हमारी तरह है, यानी उनके भी दो हाथ, दो पैर, दो आंखें, क्योंकि हमेशा मैं कैसेट देखा करती थी, एक बिंदी लगाए हुए वाइट कपड़े में देखने की बड़ी तमन्ना थी। लेकिन घर की बड़ी बेटी होने के नाते, और हमारा महाराष्ट्र में कोई नहीं था, तो बाबा, मतलब मेरे पिताजी कहा करते थे, नहीं बेटा, तुझे तो मैं जाने नहीं दूंगा, क्योंकि वो बहुत दूर है। लेकिन शायद ये मेरी जिद थी, और मैं दीदी से इतना प्यार करती हूँ, मैं शब्दों में शायद बयान नहीं कर सकती। और सिर्फ मैं उन्हीं के लिए यही आई हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है, मेरी जिंदगी जो है वो दीदी से शुरू होती है और दीदी से ख़त्म हो जाए।